मुझे पिछले 15-16 साल से एसिडिटी का प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ। जितना लाइफस्टाइल चेंज करना था वो भी सब करके मैं देखा हूँ, और फिर मेरा एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ। पीएच स्टडी में दिखाया गया कि मेरा एसिड रिफ्लक्स बहुत हो रहा है, और फिर डॉक्टर चिराग ठक्कर सर ने मुझे ऑपरेशन करने के बारे में एडवाइस किया। ऑपरेशन के बाद 3 घंटे में ही मैं घूमने फिरने लगा हूँ। मुझे बहुत सारी डकारें आती थी, और जब से ऑपरेशन हो गया है मुझे डकार नहीं आई है। 3 दिन के बाद मैं फॉलोअप के लिए डॉक्टर चिराग सर के पास आया हूँ। 16 साल से मैं एसिडिटी का प्रॉब्लम फेस कर रहा था, इस 3 दिन में कोई एसिड रिफ्लक्स नहीं हुआ। फिर 3 महीने बाद मैं फॉलोअप के लिए आया हूँ। आज मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं सब कुछ खा पी रहा हूँ, कोई एसिडिटी की गोली मैं नहीं ले रहा हूँ। मेरा नाम गणेश साळुंखे है, मैं पुणे से आया हूँ। मुझे पिछले 15-16 साल से एसिडिटी का प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, और लगभग बहुत सारे इलाज मैं कर चुका हूँ। आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, योगा और सब कुछ। जितना लाइफस्टाइल चेंज करना था वो भी सब करके मैं देखा हूँ, और फिर मेरा एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ, और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक चला गया कि मैं रात को सो ही नहीं पाता था। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, तो यूट्यूब पे मुझे डॉक्टर चिराग ठक्कर जी के बारे में मैंने सुना, और फिर उनसे मैंने बात की फ़ोन के ऊपर। तो उन्होंने मुझे अहमदाबाद बुलाया। तो मैं 4 दिन पहले अहमदाबाद आया था, मेरा एंडोस्कोपी हुआ और मैनोमीटर टेस्ट हुआ, फिर 24 आवर का पीएच स्टडी हुआ। और पीएच स्टडी में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, रेगुलर रूटीन का सब मैं कर रहा था, खाना पीना, सिर्फ नहाया नहीं, क्योंकि एक मशीन रहता है, वो अपने हाथ में मशीन रहता है और नाक से अंदर एक पाइप डाली हुई रहती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया। और रिपोर्ट के बाद पीएच स्टडी में दिखाया गया कि मेरा एसिड रिफ्लक्स बहुत हो रहा है, और फिर डॉक्टर चिराग ठक्कर सर ने मुझे ऑपरेशन करने के बारे में एडवाइस किया। तो कल मेरा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक ऑपरेशन मेरा हुआ। ऑपरेशन के बाद 3 घंटे में ही मैं घूमने फिरने लगा हूँ, और दोपहर को थोड़ा जूस लिया, रात को मैं थोड़ा खिचड़ी भी खाया हूँ, और सुबह भी मैं नाश्ता किया हूँ, और मेरा अभी रिफ्लक्स नहीं हो रहा है। रात को मैं अच्छी तरह से सोया हूँ, मेरे को तो अच्छा फील कर रहा हूँ। ये मैकेनिकल प्रॉब्लम है, और इसका एक ही सॉल्यूशन है, ऑपरेशन करके लेना। एसिडिटी होना ये प्रॉब्लम नहीं है, एसिड तो हर एक को लगता ही है अपना डाइजेशन सिस्टम के लिए, सिर्फ एसिड ऊपर आता है और वो मैकेनिकल वॉल जो है वो लूज है, इसलिए एसिडिटी अपने को फील होती है। ऑपरेशन इज द परफेक्ट सॉल्यूशन। अब मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, और मुझे बहुत सारी डकारें आती थी, और जब से ऑपरेशन हो गया है मुझे डकार नहीं आई है। तो मेरी ज़िंदगी में बहुत सारा अच्छा बदलाव आया है, लगता है एक नई ज़िंदगी शुरू हुई है। मैं मेरे दिल से डॉक्टर चिराग ठक्कर सर को बहुत उनका मैं बहुत आभारी हूँ, उन्होंने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है। जिनको भी इस तरीके के प्रॉब्लम है वो अहमदाबाद आए और डॉक्टर चिराग ठक्कर जी से मिले, और अपना ये जो है एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व करें। थैंक यू वेरी मच। जैसे मैंने पहले बताया कि 3 दिन पहले मेरा गर्ड का ऑपरेशन हो गया, और 3 दिन के बाद मैं फॉलोअप के लिए डॉक्टर चिराग सर के पास आया हूँ। और ये 3 दिन मेरे लिए बहुत ही अच्छे गए हैं, और 16 साल से मैं एसिडिटी का प्रॉब्लम फेस कर रहा था, इस 3 दिन में कोई एसिड रिफ्लक्स नहीं हुआ है, और मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, और मेरी ज़िंदगी बदल गई है, नई हो गई है। और 2-3 दिन से मैं घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, जो कुछ चाहिए सब कुछ खा रहा हूँ, और कोई मेडिटेशन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। और अभी हम वापस जा रहे हैं, 1:30 बजे हमारा ट्रेन है, और फिर से 1 महीने के बाद फिर से एक बार मिल के जाऊंगा आपके।
लेकिन प्रॉब्लम अभी कुछ नहीं रहा है। एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं है, रिफ्लक्स का प्रॉब्लम नहीं है, जलन नहीं है, कुछ नहीं है। जो प्रॉब्लम पहले मैं फेस करता था उनमें से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है और 100% मैं प्रॉब्लम फ्री हो गया हूँ। 3 महीने पहले मेरा ऑपरेशन हुआ, अभी 3 महीने बाद मैं फॉलोअप के लिए आया हूँ। आज मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं सब कुछ खा पी रहा हूँ, कोई एसिडिटी की गोली मैं नहीं ले रहा हूँ और मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर चिराग सर का बहुत आभारी हूँ कि मेरी ज़िंदगी में इतना अच्छा बदलाव उन्होंने दिया। और मेरी वाइफ है, वो भी कुछ बताना चाहती है। नमस्कार, मैं मनीषा सालुंखे, पुणे से आए हम। गए 8-10 साल से उनको ये तकलीफ थी, ऐसा रहता था कि मतलब गए 2 साल से तो वो अलग से उनके लिए खाना पकाना पड़ता था, जो हम सब्जी खाते थे वो खा नहीं पा रहे थे। लेकिन चिराग सर के यहाँ से आने के बाद, ऑपरेशन होने के बाद, हम अभी रेगुलर खा रहे हैं, डाइट वो रेगुलर जो हम खा रहे हैं वो खा पाते हैं, कुछ तकलीफ नहीं है। चिराग सर का बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको भी ये प्रॉब्लम है उन लोगों ने डरना नहीं चाहिए, और एसिडिटी के ऊपर इलाज है, ऑपरेशन से हो सकता है। जिनको ये प्रॉब्लम है वो चिराग सर से कॉन्टेक्ट करिए और अपनी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म कर दीजिए। पाचन समस्या संबंधित और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।